हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो रोज की तरह वी आर बैक विद न्यूज ट्रैकर, जहां पर हम आपके लिए क्रिकेटिंग वर्ल्ड से एकदम लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। तो आज के तीन बड़े अपडेट्स हैं। मुरली विजय इज ऑल सेट टू मेक अ कमबैक आफ्टर टू इयर्स। कहां पर कमबैक कर रहे हैं, कहां खेलते हुए दिखाई देंगे, मैं आपको बताऊंगा ना, जस्ट स्टे विद मी। चेतेश्वर पुजारा ने जमकर तारीफ की राहुल द्रविड़ की, क्या गई पूरी बात, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आगे आपको। और लास्ट में वसीम अकरम ने क्या कहा मोहम्मद आसिफ के बारे में। गाइस, इन सभी बातों पर आगे हम डिटेल से बात करेंगे, आप बस वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अभी आपको और टाइम नहीं लूंगा, आई नो आप बहुत बेसब रहो ये सभी बातों को जानने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरे पास मुरली विजय के जो फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुरली विजय हमें एक्शन में दिखाई देंगे तमिलनाडु प्रीमियर लीग में, 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद। लास्ट जो हमें वो खेलते हुए दिखाई दिए थे इन द ईयर 2020 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उन्होंने पूरी बात क्या कही, वो कहां पर थे, ब्रेक क्यों लिया था, चलो देखते हैं। He said, I want to play as long as possible. Just took a personal break. I have a young family and wanted to take care of them. I'm enjoying my cricket now and I'm feeling fit. Hopefully, I can do my bit for my team in TNPL. He added, it was difficult for me personally because I wanted to play but I had injuries and my personal life was going at a fast pace. I wanted to slow it down and see where I was standing as an individual. I wanted to reflect on myself and that's why I felt that a break was required and needed for me at that particular time. तो गाइस, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, आपको क्या लगता है, अगर मुरली विजय टीएनपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो क्या हमें वो आईपीएल में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गाइस, जब राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था तो सभी जगह सिर्फ एक क्वेश्चन था कि अब वॉल की तरह कौन खेलेगा, क्रीज पर इतना टाइम कौन टिकेगा। फिर आए चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने जगह ली राहुल द्रविड़ की और उन्हें कहा जाने लगा सेकंड बॉल। तो अब चेतेश्वर पुजारा ने एक अपनी मेमोरी शेयर की है जब वो पहली बार राहुल द्रविड़ से मिले थे और जमकर तारीफ की उनकी, पूरी बात क्या कही है, चलो देखते हैं। He said, Rahul bhai has always been an inspiration for me. When I first met him in 2007, he was leading the Indian team. He came to Rajkot, that was my first interaction with him as a young kid. After that, I've always been in touch. I've learned so many things from him as a cricketer when I was playing with him and even after he retired and coached India A team. He has always been helpful. He added, he always keeps things simple. He has great ideas about batting. He doesn't complicate things. It's always good to learn from him. It's always good to work with Rahul bhai. So guys, what's your take on this? Abhi Chetishwar Pujara hai England mein. To aapko kya lagta hai, Team India ke liye wo kitna bada role play karne wale? Do let us know in the comment section below. अनक्वेश्चनेबली पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर मोहम्मद आसिफ दुनिया के खतरनाक बॉलर्स में से एक थे। अच्छे से अच्छे बैटर्स के उनके सामने पसीने छूट जाते थे। फिर आया साल 2010, स्पॉट फिक्सिंग के चलते उन पर बैन लगाया गया और वो फिर कभी कमबैक नहीं कर सके। तो अभी वसीम अकरम ने कहा कि मोहम्मद आसिफ टैलेंट वेस्टेड है, मतलब टैलेंट था पर वो पूरी तरह से वेस्ट हुआ। पूरी बात उन्होंने क्या कही, चलो देखते हैं। He said, everyone raves about Mohammad Asif. I mean, talent wasted, no doubt. Whoever I talked to, that kind of bowler I saw after a long time. Jis tarike se control karta tha ball ko, the way he used to control the ball, he could swing both ways. It's very unfortunate for him and of course for Pakistan too. I've not seen him for ages. It has been 10 years since I came to Karachi. I go to Lahore very less. So guys, what's your take on this? Do you guys agree with Wasim Akram? Do let us know in the comment section below. So guys, it's time for me to take leave. Hope you guys like this video. अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया तो गाइज आप बहुत सारे अपडेट्स मिस कर रहे हो। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।